अब आईपीएल खेलेंगे सरफराज भाई। एक नई टीम ने सरफराज के लिए जगह बनाई। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है। एक खिलाड़ी है जिसने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है और अब इस वजह से सरफराज खान जो कि टीम इंडिया में खेल चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं, तूफानी डेब्यू रहा था, हर तरफ खबरों में छाए रहे थे, सरफराज खान के लिए उस टीम में जगह बन सकती है। और बड़ी बात यह है कि सरफराज इस टीम से पहले भी खेल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की। और जिस बल्लेबाज ने अपना नाम इस लीग से वापस लिया है उसका नाम है हैरी ब्रूक। वही हैरी ब्रूक जो पिछली बार सनराइजर हैदराबाद से खेले, एक शतक लगाया था, बाकी पूरा सीजन फ्लॉप रहे थे। इस वजह से उनको सनराइजर हैदराबाद ने टाटा बाय बाय कर दिया। अब उनको टाटा बाय बाय किया तो दिल्ली कैपिटल्स ने इंटरेस्ट शो किया था, उनको खरीद लिया था, लेकिन अब हैरी ब्रूक कह रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। और इसी वजह से यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे मार्क वुड हैं और साथ के साथ एक खिलाड़ी और रहे हैं जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है, क्योंकि इस आईपीएल के तुरंत बाद ही T20 वर्ल्ड कप होना है और कोई भी इंजरी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से लोग अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसमें ज़्यादातर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो अपनी नेशनल टीम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस वजह से हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब जब जगह बची, कौन आएगा, उसकी जगह क्या होगा, क्या रूल्स कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, जिस भी खिलाड़ी ने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया था उस खिलाड़ी को ख़रीदा जा सकता है, उस खिलाड़ी से बात करके कोई भी फ्रेंचाइजी उससे बात करे उसको ख़रीद सकती है। अब ऐसे में क्योंकि सरफराज खान ने अपना नाम इस ऑक्शन में दिया था, अनसोल्ड रहे थे, 50 लाख उनका बेस प्राइस है, इस वजह से दिल्ली कैपिटल 50 लाख देकर सरफराज खान को अपने साथ जोड़ सकती है, क्योंकि सरफराज और हैरी ब्रूक एक ही तरीके के बल्लेबाज हैं, लंबी लंबी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। सरफराज खान भी लंबी लंबी हिट्स लगा लेते हैं, उन्होंने अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी उसमें काफ़ी धमाल मचाया था, टेस्ट क्रिकेट में भी वो T20 जैसा परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहर बरपा रहे थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि T20 या IPL में वो क्या कर सकते हैं। वो पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेल चुके हैं, ओपनिंग भी कर चुके हैं, अच्छी पार्टनरशिपिंग भी कर चुके हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि भाई सरफराज की लॉटरी लग जाए और हैरी ब्रूक की जगह सरफराज खान दिल्ली कैपिटल में शामिल हो जाए, क्योंकि नियम उनके फेवर में हैं, वक्त उनके फेवर में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरफराज खान को दिल्ली कैपिटल्स अपने साथ जोड़ती है या फिर नहीं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैरी ब्रूक के सरफराज खान हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।